और आप सब लोगों को भी, सभी मीडिया कर्मियों को, सभी को हमारी तरफ से नए वर्ष की शुभकामनाएं। और फिर संघर्ष है, अब संघर्ष करना होगा, सड़कों पर संघर्ष चलेगा। देखिए, सरकार के पास बहुत समय था, लेकिन सरकार ऐसे ही डाले रही। आयोग जो अब बन रहा है, तो ये तो 2 साल 2.5 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो तुरंत बनाना चाहिए था, और बना करके समय पर आरक्षण लागू करके चुनाव कराना चाहिए था। लेकिन सरकार पिछड़े वर्ग के आरक्षण को ख़त्म करना चाह रही है, फिर उसके बाद दलित लोगों का भी आरक्षण ख़त्म करना चाह रही थी, ये सरकार का मंसूबा था। तो अब देखिए, संघर्ष चलेगा। हम सब लोग समाजवादी के जितने लोग हैं, अब संघर्ष चलेगा, सड़कों पर संघर्ष चलेगा। 2024 की किस तरह की तैयारियां, तीसरा मोर्चा? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और जनप्रतिनिधियों के साथ उत्पीड़न हो रहा पूरे प्रदेश में, झूठे मुकदमे लाद करके जेलों में भेजा जा रहा है, फंसाया जा रहा है, तो हम किसी भी कीमत में ये उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर भी समाजवादियों पर, हमारे पार्टी के लोगों पर अगर कहीं उत्पीड़न होगा, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के पास राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, इनकी विचारधारा से और प्रदेशों में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। जो उन्होंने भारत जोड़ो, तो ये अच्छा काम किया है, और आगे देखिए, हमारे पार्टी का जो भी आदेश होगा तो उस पर हम लोग चलेंगे। कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष के प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे राहुल गांधी 2024 में, और किसी दल का नहीं कोई हो सकता है। चलिए, इस पर हम क्या बता सकते हैं, ये तो जब सब लोग बैठेंगे, सभी लोग बैठेंगे, तब इस पर निर्णय दिया जाएगा। 2024 में जो लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे गठन में आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी से निभाएंगे, और सबको जोड़ करके हमारा प्रयास होगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाए। मायावती लगातार आरोप लगा रही कि सपा और भाजपा मिली भगत है इन लोगों की, और इस तरह से ही ये लोग अपने प्लानिंग से काम कर रहे हैं। अच्छा, पूरा प्रदेश जानता है उनके बारे में, पूरा प्रदेश जानता है वो किससे मिली हैं, किसके लिए काम कर रही हैं, और सब लोग, पूरे लोग समझ चुके हैं, अब उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। निकाय चुनाव में कितनी सीटें आप ले जाएंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमारी पार्टी पूरी तरह से स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ेगी, और भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज है कि कैसी तैयारी रखें, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत चिंतित है? पूरी तैयारी करेंगे, कार्यकर्ता पूरी तैयारी करेंगे, चुनाव तो हो जल्दी, हम चाहते हैं कि चुनाव आरक्षण लागू हो तुरंत, और तुरंत लागू हो करके चुनाव हो, और सरकार को कराना चाहिए जल्दी।